हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। आज हम बुद्धि के एक नए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसके प्रतिपादक गार्डनर जी हैं। 1983 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने बुद्धि का स्वरूप कहा है कि ये एकाकी नहीं होता बल्कि बहुकारकीय होता है। सिर्फ इसमें जैसे कहा जाए कि ये विशिष्ट बुद्धि होती है या सामान्य बुद्धि होती है, तो ऐसे एक या दो तत्व नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे कारक होते हैं। इस जो सिद्धांत का बेस है वो है न्यूरोसाइकोलॉजी और साइकोमेट्रिक मेथड्स। गार्डनर ने मूलतः सात तरह की बुद्धि के बारे में हमें बताया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गार्डनर जी ने ये कहा था कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही इंटेलिजेंट है। जो जो संगीत में बहुत आगे है जैसे कि लता मंगेशकर जी, जो क्रिकेट में बहुत आगे है जैसे कि तेंदुलकर जी, वो लोग भी अपने क्षेत्र में बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इस प्रकार से बुद्धि का कोई एकाकी स्वरूप नहीं होता, बुद्धि कई फील्ड्स में इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से गार्डनर जी ने सात तरीके की बुद्धि का वर्णन किया है, जहाँ पे हमारा इसका पहला जो प्रकार है वो है भाषाई बुद्धि। इसमें जो होता है वाक्यों को और शब्दों को बोध करने की अच्छी क्षमता होती है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत अच्छा होता है, वो कैब उन लोगों का बहुत अच्छा होता है जिनके अंदर ये बुद्धि होती है। शब्दों के क्रमों के बीच में संबंध को भी पहचानते हैं, अगर हम किसी बहुत ही टफ लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके माध्यम से उसको समझा लेते हैं। फिर आता है इसका दूसरा जो पार्ट है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें इस तरह के लोगों में जो बुद्धि होती है उसमें तर्क करने की क्षमता होती है, गणितीय समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, अंकों के में छिपे संबंध समझने की क्षमता होती है। वो लोग कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वह स्थानिक बुद्धि, जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें स्थानिक चित्र या कोई भी चित्र के रूप को देख करके मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कल्पना करके लोग अच्छे से अच्छा, जैसे लेखक होते हैं बहुत अच्छा लिख लेते हैं और काम कर लेते हैं, तो इस प्रकार से स्थानिक बुद्धि होता है। इसका चौथा टाइप है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें जो होता है शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है, वस्तुओं को किस प्रकार अच्छे से पकड़ कर उपयोग करें, शरीर को किस प्रकार से घुमाया जाए, ये सब इस बुद्धि में होती है। जैसे कि डांसर होते हैं, प्लेयर होते हैं, डांसर अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बैलेंस करके डांस करता है, प्लेयर भी अपने बॉडी को बैलेंस किया रहता है। क्रिकेट में देखिए, एक अच्छे पोज में जब रहते हैं तो वो अच्छा रन लेने में कामयाब होते हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि की अधिकता होती है। फिर हमारा आता है पांचवा सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि मतलब वो लय पिच, ये सब जो संगीतज्ञ होते हैं, गीतकार होते हैं, उनके अंदर इस इंटेलिजेंस की अधिकता होती है, इसी वजह से उनको लय सुर ताल सबकी बहुत अच्छी समझ होती है। इसका जो छठा टाइप है वो है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, यानी कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इसमें हम अपने भाव, अपने इमोशंस को मॉनिटर करते हैं और अपने व्यवहार को निर्देशित कर सूचनाओं को करने की हमारे अंदर क्षमता होती है। हम किस प्रकार खुद को संभाल रहे हैं, हमारे अपने इमोशंस को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, वो इसके अंतर होता है। इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। इसका जो सातवां प्रकार होता है वो है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। इसमें दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को हम समझते हैं, दूसरे लोगों के इमोशंस को समझते हैं और उसको उसी प्रकार से हम अपना व्यवहार करते हैं। इसमें हम दूसरों के व्यवहार को देख करके प्रेडिक्शन करने की क्षमता भी होती है। इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। बाद में संशोधन के द्वारा इसमें दो और प्रकार भी इसमें लाए गए, जिसमें आठवां प्रकार है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो 1998 में संशोधन के द्वारा लाया गया। इसको इंग्लिश में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि प्रकृति के पैटर्न को, उसकी सिमेट्री को हम कैसे पहचान रहे हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर किसान, जैव वैज्ञानिक जो होते हैं उनके अंदर इस बुद्धि की अधिकता होती है। जो नवा टाइप है इसका भी संशोधन 2000 में करके इसको लाया गया, इसका नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें मानव व्यवहार के रहस्यों, मौत का क्या रहस्य, मानव जीवन का क्या रहस्य, मानव अनुभूत की क्या रहस्य है, इन सब के बारे में जानने की क्षमता होती है। इस बुद्धि की अधिकता दार्शनिक चिंतकों में अधिक होती है। इसमें जो मैंने प्रथम तीन मापन बताए हैं उनका परीक्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है। और आज के लिए इतना ही। नए सिद्धांत के साथ हम अपनी अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।